फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, झाइयों की प्रॉब्लम जो है वो अगर आप कुछ भी लगा रहे हैं ठीक नहीं हो रही है, जो झाइयों की समस्या है वो ठीक नहीं हो रही है और आपने बहुत सारी रेमेडी भी लगाई है लेकिन वो आपके चेहरे पे काम नहीं कर रही है, तो आज की रेमेडी अगर आप लगाते हैं अपने चेहरे पे तो फ्रेंड्स आपकी झाइयाँ जो है जड़ से चली जाएगी। अगर सालों पुरानी झाइयाँ हैं तो वो भी ठीक हो जाएगी। जो आज की रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही कमाल की रेमेडी है और अगर आप इसको लगाते हैं ना अपने चेहरे पे तो आपकी झाइयाँ जो है वो जड़ से चली जाएगी। कितनी भी पुरानी झाइयाँ हैं, आप थक चुके हैं, बहुत सारी क्रीम कितनी भी लगा लीजिए, लेकिन आप इस रेमेडी को लगाएंगे ना तो आप मुझे एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इसे ज़रूर बना के लगाएं अपने चेहरे पे। दाग धब्बों को अगर ठीक करना है, आपके पिंपल्स के चेहरे पे दाग हैं, धब्बे हैं, तो उन्हें भी ये रेमेडी ठीक करेगी। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है और जब आप इसका यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट आपको तुरंत दिखाई देगा, यानी कि एक बार में ही आपको अपने चेहरे पे फ़र्क नज़र आएगा, तो ज़रूर बनाएं इसे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेश एलोवेरा आता है उसके अंदर जो जेल होता है उसे मैं यहाँ पर कांटे से निकाल रही हूँ, तो इस तरह से निकाल लीजिए और साइड में जो इस एलोवेरा के कांटे होते हैं उसे निकाल लीजिए और अच्छे से धो करके आपको फ्रेश एलोवेरा लेना है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट वाला ले सकते हैं, लेकिन ये अगर आप लेते हैं तो आपके झाइयों पे बहुत अच्छा काम करता है, आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं उन्हें ठीक करता है और साथ में आपके कलर को फेयर भी करता है। तो एलोवेरा जो है बहुत अच्छा है दाग धब्बों के लिए, झाइयों के लिए। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा ले लिया है और उसी में से मैं यहाँ पे जेल निकाल रही हूँ। तो जेल हमें 4 से 5 चम्मच निकाल लेना है, तो फ्रेंड्स कम नहीं लेना है। इस जेल को आप 4 से 5 चम्मच निकाल लीजिए, अच्छे से जेल निकाल लीजिए और आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसे निकाल रही हूँ ताकि जितना जेल मुझे चाहिए वो 4 से 5 चम्मच जेल जो है निकल जाए। और बहुत आसान होता है इस तरह से जेल निकालना, आप देख सकते हैं मैंने कितना जेल निकाल लिया है, 4 से 5 चम्मच जेल मैंने आराम से निकाल लिया है। इस जेल को इस तरह से निकाल के आपको जो इसमें मिलाना है, क्या मिक्स करना है मैं बता देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब आपको लेना है बेसन। बेसन हमारे चेहरे के दाग धब्बों को ठीक करता है और झाइयों को भी ठीक करता है, तो घर का पीसा हुआ अगर आप बेसन लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पर घर का पीसा हुआ बेसन लिया है, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है। इस जेल के अंदर मैंने 2 चम्मच बेसन जो है डाल दिया है। अब थोड़ी सी हमें लेनी है हल्दी, तो हल्दी को आप थोड़ी सी ही लें और घर की पीसी हुई हल्दी लें, मार्केट वाली ना लें। कस्तूरी हल्दी अगर आपके पास है तो आप वो ले लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकती हैं वरना घर पर भी आप पीस सकती हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बेसन डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स की है। अब आपको इस जेल के अंदर अच्छे से मिक्स करना है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जब आप इसे मिक्स करेंगे ना तो ये जेल के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स होने में, लेकिन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स भी कर लिया है, बहुत अच्छे से मैंने मिक्स किया है। इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, अगर बेसन आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप थोड़ा सा और मिक्स कर सकती है इसके अंदर। और जब आप बेसन लें तो आपको देख लेना है कि जेल हमारा 4 से 5 चम्मच है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसे लगाने से पहले अपने पूरे चेहरे पे आपको एलोवेरा से मसाज करनी है। जो बचा हुआ मेरा जो एलोवेरा था मैं उसी से मसाज कर रही हूँ और इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, इसे फेंकना नहीं है, इसका यूज़ भी हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से रोज़ अपने चेहरे पर मसाज करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जल्द ही आप चाहती हैं कि आपके चेहरे की झाइयाँ ठीक हो जाएं, तो इसे आप रोज़ लगाएं। आप ऐसे ही कुछ भी मिक्स किए बिना ही अपने चेहरे पे लगाते हैं तो जल्दी ही आपके चेहरे के दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस एलोवेरा को अपने पूरे चेहरे पे लगा लेना है। और अगर आपके पास नहीं है एलोवेरा फ्रेश तो आप मार्केट वाला ले सकते हैं, उससे भी अगर मसाज करते हैं तो आपके चेहरे पर बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलता है, दाग धब्बे ठीक हो जाएंगे, झाइयाँ ठीक हो जाएगा। अगर आपके चेहरे पे सनटेन है धूप की वजह से वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5 से 10 मिनट मसाज करूँगी पूरे चेहरे पे,
मसाज करने के बाद ही आपको इसे लगाना है और रोज़ लगाना है। फ्रेंड्स, अगर आप रोज़ लगाते हैं अपने चेहरे पे इस रेमेडी को, तो आपके चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अब मैं इसे अपने पूरे चेहरे पे लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से पूरे चेहरे पे लगाना है आपको, और आप चाहते हैं कि आपकी झाइयाँ जो है जड़ से चली जाएँ, तो आपको इसी तरह से लगाना है और रोज़ लगाना है ताकि आपकी झाइयाँ जो है वो जल्दी ठीक हो जाएँ। और इसे लगा के आपको 5 से 10 मिनट रखना है, उसके बाद अपने चेहरे को आप गुनगुने पानी से धो सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप इसे लगाएं तो अच्छे से पूरे फेस को फेस वॉश से धोने के बाद ही लगाएं ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। अगर आप धूप में निकलते हैं दिन में तो आप इसे नाइट में लगा सकते हैं, अगर धूप में नहीं जाते हैं तो आप दिन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप प्लीज़, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं तो आप धूप में कम निकलें और इसे ज़रूर लगाएं। दिन में अगर आप धूप में नहीं जाते हैं तो आप लगा लीजिए, आप इसे लगाते ही आपको फ़र्क नज़र आएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। दाग धब्बों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कि झाइयाँ जल्दी से ठीक हो जाएं, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाएं। फिर झाइयाँ जो है वो धूप की वजह से ज़्यादा होती है, तो आप धूप में कम निकलें। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। अपने चेहरे पे अगर आप ये रेमेडी यूज़ करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इसे लगा के कम से कम आप 5 से 10 मिनट रख लें, उसके बाद अपने चेहरे को धो लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।